करबला में मौला गाजी अब्बास का वो पोता जिसकी ज्यारत नहीं कराई जाती, आते भी हैं हज़ारों मोमिन, उनको पता नहीं चलता कि इनकी ज्यारत उधर है। हम सबसे हैं, हम समझते हैं कि मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की पूरी नस्ल करबला में शहीद होगी, उनके बच्चे मल के, ऐसा नहीं है। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का ये शहज़ादा जिनकी करबला में ज्यारत नहीं कराई जाती, खूबसूरत ज्यारत आप करें और मुझे दुआ दीजिएगा। इतना खूबसूरत रोज़ा है और लोग लेकर नहीं आते हैं शायद ज़ायरीन को। वीडियो आखिर तक देखिए, मैं आपके साथ शाकिर नशवी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद वीडियो के लिए। चुके हैं और फिर बस का सिलसिला भी है, लेकर आए हैं नजफ से करबला। सबसे पहले जैसे उतरे हैं तो मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का वो पोता जिसकी ज्यारत नहीं कराई जाती, और मैंने पूरे ज़ायरीन को, दुनिया भर के ज़ायरीन को ये सलाह दी है, जब भी ज़ायरीन को इधर लेकर आए तो इनकी ज़्यारत ज़रूर करें। ये बस का सिलसिला जो है, तलत और बागी और उसकी फैमिली मुख्तार हुसैन इटली में रहते हैं, यावर भाई यूके में, सैयदा कलसूम, सैयदा जैदी और उसकी पूरी फैमिली के लिए दुआ, नौशी सिस्टर जो है उनकी सबके तरफ से ये लंगर और नियाज अदा की जाएगी। और इस वक्त आपको ऐसी ज़्यारत की, ऐसी जगह की ज़्यारत कराता हूँ जहाँ पर करबला में आते हुए लोग भी यहाँ पर नहीं पहुँच पाते, उनको नहीं लेके आते। तो ये कौन हैं और इनकी ज़्यारत पे क्यों नहीं आते हैं? अब इस वीडियो को जब आप शेयर करेंगे, लोगों को लिंक देंगे कि आएँ, शाकिर भाई ने करबला में एक ऐसी ज़्यारत करवाई है जहाँ पर ज़ायरीन ज़्यारत नहीं कराई जाती, तो आप मोमिनीन से इल्तमास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पर वाजिब है, आगे लोगों को शेयर करें ताकि आपके ज़रिए से कोई करबला आए तो जनाब अली इब्ने हमज़ा इब्ने हसन इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास इब्ने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ज़्यारत कर सकें। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम का पोता बनता है जनाब अली इब्ने हमज़ा। अल्लाह अकबर, आपको ज़्यारत कराने जा रहा हूँ मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के पोते की, सन ऑफ मौला गाजी अब्बास। क्योंकि जो जिस इमाम की शे औलाद से होता है उसको उसका बेटा कहा जाता है, जैसे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को या दीगर आइमा मासूमीन को कहा जाता था यबन रसूलल्लाह अपने ज़माने में। तो रसूलल्लाह की नस्ल से हैं तो आप रसूलल्लाह के बेटे हैं। ये देखें, ये रास्ता कहाँ है शाकिर भाई, ये तो बताएं। अच्छा रास्ता बताता हूँ, सामने जिसर त्वेरिज परचम लगा हुआ है, सामने पुल है जिसर त्वेरिज, उसका रास्ता एक यहाँ से भी आता है शार जमूर से, मार्केट से आता है। ये चार रास्ते हैं यहाँ से, ये रास्ता मौला गाजी अब्बास के उस तरफ जाता है, ये मार्केट है शार जमूर से आती है। किसी से भी पूछेंगे सैयद अली इब्ने हमज़ा की मज़ार कहाँ है, ठीक है, तो आपको बताएँगे। तो ये वो ज़्यारत है जिसको मैं आपको कराने जा रहा हूँ। सामने क्या लिखा हुआ है, दीवान वक्त सी ईमान मज़ारात शरीफा, मज़ार सैयद अली इब्ने हमज़ा इब्ने हसन इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास अलमदार, जनाब गाजी अब्बास अलमदार का पोता जिसकी आप ज़्यारत कर रहे हैं। लबैक या अब्बास अलमदार, मेरे मौला मैं माजरत चाहता हूँ उन मोमिन की तरफ से जो यहाँ पर करबला आते हैं और आपकी इनको ज़्यारत नहीं कराते, नहीं ले जाते। इमाम तकी अल जवाद की शहादत के अयाम हैं, दिलों को थाम लीजिएगा। इज़्ने ज़्यारत पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बे इज़्ने अल्लाह व इज़्ने रसूल व इज़्ने खुलफाए व इज़्ने इज़्न अमीर अलमोमिनीन व इज़्न हसन अल हुसैन व इज़्न फातिमा अज़्ज़हरा व इज़्न व इज़्न अबुल फ़ज़ल अल अब्बास अल अमदार व इज़्न अली इब्न अल हमज़ा अलैहिस्सलाम। अदखुल या मौलाय, अदखुल या मौलाय, अदखुल या मौलाय, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपनी आँखों को ठंडक दें, खुदा की कसम मैं तो कहूँगा ये ज़ुल्म है जो करबला आके जनाब अली इब्न हमज़ा की ज़्यारत ना करें। मौला अब्बास के रोज़े के चंद कदमों के फासले पर इनकी ज़्यारत। अस्सलाम अलैकुम या अबला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिह।
ज़्यारत करें, मोमिन आए हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मैं इस दफ़ा जनाब कभी होर पे जाते हैं करबला से पहले, कभी कतार इमाम अली पे जाते हैं, मुख्तलिफ़ ज़्यारत करते रहते हैं। इस दफ़ा मेरा इरादा था कि मैं जब करबला जाऊँ तो जनाब हमज़ा के रोज़े पर ज़रूर पूरी बस के मोमिन को लेके जाऊँगा। इन उलमा के ज़रिए से जो लोग इनसे पूछते हैं ताकि ये भी उनको बताएं कि जनाब हमज़ा का रोज़ा इधर है। ये हरम मौला गाज़ी अब्बास अलमदार वालों की तरफ से तामीर हो रहा है। मौला गाज़ी अब्बास अतब अल अब्बासिया है, उनकी तरफ से यहाँ पे तामीर का काम चल रहा है। तो ये देखें मोमिन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, सलाम पढ़ चुके हैं और ये खूबसूरत ज़्यारत कर रहे हैं। यकीनन आप मुझे दुआ देंगे, दिल से दुआएंगे। मैं आप तमाम जितने भी देखने वाले हैं, जिनको जिनकी आँखों को ठंडक और नूर मिला है, उन सब के लिए मैं दुआ करूँ। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम के सदके बीबी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदके इमाम हसन अल-मुज्तबा के सदके इमाम हुसैन उसकी औलाद के सदके में पंचतन पाक के सदके में जो मोमिन इन ज़्यारात में महरूम है, या अल्लाह उन सबको ये ज़्यारात नसीब फरमा, इन मकामात मुकद्दसात की ज़्यारात नसीब फरमा, इनसे इनको शरफ़ हासिल फरमा, इनकी ज़्यारत से मुतशर्रफ़ फरमा। या अल्लाह जो भी मुतमन्ना है ज़्यारात हैं, जिन्होंने करबला की अभी तक ज़्यारत नहीं की, दिल तड़पती रहती है मौला आपका फ़र्श अपने घरों में बिछाते हैं मगर करबला नहीं आ पाते। मैं खुसूसन उनकी नियाबत में जनाब अली इब्न हमज़ा के रोज़े पे आया हूँ। मेरे मौला मेरे आका उन सबको ज़्यारत नसीब फरमा, जिस जिस के घर में मौला गाज़ी अब्बास का परचम है, या अल्लाह बेहक़ के सैयद अली इब्न हमज़ा उन सबको ज़्यारत नसीब फरमा। जिस जिस मोमिन और मोमना ने मुझे दुआओं के लिए कहा, तड़पती हुई आँख तड़पती हुई दिलें, उन सब की तरफ से मैं सलाम कर रहा हूँ, उन सबको ज़्यारत नसीब फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बेहक़ के हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मतमन्ना है ज़्यारत के करबला के नजफ के काज़ में सामर्रा शाम मासूम आयतुम मशहद खुरासान दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे अंबिया अल्लाह औलिया अल-किराम की ज़्यारत है, उन सब की ज़्यारत नसीब फरमा, उन सब की शफात नसीब फरमा। या अल्लाह बिहक़ मोहम्मद व आल मोहम्मद व जिल फरज। बिल्कुल करीब से ज़्यारत करें एक मरतबा फिर। اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج اللهم صل على محمد وآل محمد ذری پہ ہاتھ رکھیا سب کے لیے دعا کرو مولا آپ سب کو اذن زیارت عطا فرمائے اللہ آپ کو سب کو اذن عطا فرمائے اللهم صل على محمد کتنے مومنین آتے ہیں زیارت کرتے ہیں ہم کیوں نہیں آتے ہیں کربلا کے ضرور آیا کریں ہم زیارت کے لیے تو آتے ہیں کوئی نہ بھی بتایا نا میری ویڈیو کے ذریعے سے آپ نے آنا ہے ضرور कितना खूबसूरत नाम है ज़ाहरीन मौजूद हैं कुर्बानियाँ होती हैं मन्नतें कबूल होती हैं मैं आप सब की तरफ से भी दुआ करूँ आप मन्नत करें हम करबला जाएंगे मुझे मौला बुलाएंगे तो मैं जनाब अली इब्न हमज़ा की ज़्यारत करूँगा बग़ैर किसी उज़्र के खुशी और खलूस के साथ जाऊँगा या जाऊँगी ये नहीं कि यहाँ आने के बाद मौला अब्बास और मौला हुसैन की ज़्यारत कर ली और दिल भर जाए ऐसे ना आपने जाना है उसी खलूस के साथ फिर सालार बहाना करे दुनिया बहाना करे आपने नहीं करनी मौला आपकी दुआओं को मुस्तजाब करे जल्द आपको इतने ज़्यारत अता फरमाए और मुझे भी दुआ कीजिएगा इतनी खूबसूरत ज़्यारत कराता हूँ मुझे पता है जितने देखने वाले हों तो उनमें तकरीबन 30% सब्सक्राइबर होते हैं और दूसरे नहीं होते वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें कि मैं चाहता हूँ ईरान इराक शाम और सऊदी अरब के मुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि तमाम ज़्यारात की एक बेहतरीन वीडियो बना के आपको सेंड करूँगा जब आएँगे तो किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं मेरी वीडियो देखने के बाद इतनी मैं आपको तफसीर से बताऊंगा जनाब अली इब्न हमज़ा का मैंने आपको शजरा बताया और इंशाल्लाह मौला ने चाहा तो इनकी तारीख भी जो होगी मुझे मिली मैं आपको बताऊंगा तो मैं दुआ करूँ आप सब के लिए इस करबला की ज़्यारत अल्लाह आपको नसीब करे मुतशर्रफ़ फरमाए और आप मेरे लिए दुआ करें इलायामी गर्मी बहुत शिद्दत की है उसके बावजूद भी आपको ज़्यारत कराते हैं तो
मेरे लिए सादत है, कितना सुकून मिल रहा है यहाँ पर ज़्यारत करके। मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई कह रहा है कि थोड़ी देर और रुक जाए, हमने ज़्यारत करनी है, चलें जी थोड़ी देर और। मैं सदके जाऊँ मौला गाजी अब्बास, आप पर आपके अहल और अयाल पर, आप कुर्बान हो गए मेरे मौला हुसैन तक। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कभी ज़िंदगी में अपने मौला अपने आका हुसैन को भाई ने बोला, मेरे मौला आपकी इस वफादारी पर लाखों दुरूद और सलाम। ये इनकी कब्र है, ज़ियारत कर रहे हैं आप कब्र की। मैं उन सादात की, उन शहजादों की कब्र की तामीर कराने जा रहा हूँ जिनके लिए मुझे कुछ मोमनी ने हदिया सेंड किया है, जिनके रोज़े बिल्कुल मिसमार हैं। बहुत जल्द इस गर्मी में मुहर्रम से पहले तामीराती काम कराने जा रहा हूँ, जिस मोमिन ने हिस्सा लेना है ज़रूर लें, ताकि मुहर्रम से पहले उनकी कब्र बन जाए, उनका रोज़ा बन जाए। इस वीडियो के ज़रिए से आपको पैगाम दूंगा, इमाम मूसा काज़िम का शहज़ादा जनाब यूसुफ, इमाम हसन मुश्तबा का शहज़ादा जनाब मोहम्मद और फातिमा की बेटी है जनाब अली इब्न मूसा काज़िम, उनकी भी ज़ियारत है। तो जो है बिल्कुल ख़स्ता हालत में आप मोमिन से इल्तमास हैं, तो लबे क्या उसे, लबे क्या, मुझे दुआ दीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ दूँ, लबे क्या उसे। दिल को सुकून मिला होगा, आगे ज़रूर शेयर करेंगे, मेरी उम्मीद है मोमिन को पैगाम देंगे। मौला गाज़ी अब्बास के पोते की ज़्यारत करें लोग, हमें अभी तक ये समझ में आता है कि उनके मौला गाज़ी अब्बास का सारे बेटे करबला में शहीद हो गए और कोई नस्ल नहीं है, ऐसा नहीं है। मौला गाज़ी अब्बास की नस्ल है और उसी नस्ल से जो है जनाब अली इब्न हमज़ा भी है आपके साथ। आखिर मरतबा सुबहानल्ला कहेंगे, कमेंट्स करेंगे, सलाम करेंगे, मुझे समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो प्यारी लगी है और मुझे दुआ देंगे इंशाल्लाह। यावर भाई और उनकी फैमिली से जाती साहब की तरफ से और रंजीत साहब बोला उनकी तोफी का निखर भी रहा इलाही आमीन। सबको इन मकाम मुकदसा के ज़्यारत नसीब फरमा इलाही आमीन इलाही आमीन। हमको अपना दुआएं लगाई थी परवरदिगार, हम सबकी हवाई की शरिया को पूरा फरमा इलाही आमीन। खासतौर पर जो बीमार हैं उनको सेहत कामला वाजिला अता फरमा इलाही आमीन। हमारे वास्ते नारा हैदरी। चले चले।